देखिए, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी, आप लोग की वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी से होने जा रही है ना कि नहीं? कल ऑफिशियल आदेश भी आ चुका है ना? आप लोग को पता है, इंदर सिंह परमार ने वीडियो जारी करके बताया था कि आप लोग की वार्षिक परीक्षा होनी तो बिल्कुल तय है, तो उसी की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक 2022, कक्षा 10वीं, गणित विषय का अध्याय 8, मध्य प्रदेश राज्य वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 8, त्रिकोणमिति। हमारा प्रश्न क्रमांक 16, हमारा यहाँ पर 16वां प्रश्न ये कह रहा है, यदि टेन ए बराबर 4/3 हो, यदि टेन ए का मान 4/3 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करो। हमको यहाँ पर दिया है टेन ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये देखो, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिए, और समकोण त्रिभुज को हम नाम देंगे ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, सवाल में हमको क्या दिया है? सवाल में दिया है टेन ए बराबर 4/3, सवाल में दिया है टेन ए बराबर 4/3, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है टेन ए बराबर 4/3। ये हमको सवाल में क्या है? ऑलरेडी दिया है टेन ए बराबर कितना दिया है? 4/3 दिया है। अब टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है, मैंने सूत्र में बताया आप लोग को, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा यहां पर होता है संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब 4/3 का यहां पर हो जाएगा 4/3 बराबर सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख भुजा? कोण ए की सम्मुख भुजा। और कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है? बी सी है। यहां पर सूत्र होता है टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। यहां पर ए लिखा है मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा। और कोण ए के सामने वाली भुजा यहां पर क्या है? बी सी है। कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है? बी सी बटा बटा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा? कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? कोण ए से लगी हुई भुजा क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। मान लिए ए बी, तो इस 4/3 का हो गया 4/3 सम्मुख भुजा हो गई बी सी, बटा का बटा संलग्न भुजा हो गई यहाँ पर ए बी, है ना। अब बी सी बटे ए बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए बी बराबर 4/3 का यहाँ पर हो जाएगा 4/3। इन सबके बराबर हम क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। क्या मान लिए? के। जिसके बटे कुछ नहीं हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। अब इसके बाद देखो, मतलब बी सी का मान हो जाएगा 4k और ए बी का मान हो जाएगा 3k। अतः बी सी का मान कितना हो जाएगा? 4k। कितना हो जाएगा? 4k। और कोमा ए बी का मान कितना हो जाएगा? 3k। और ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 3k। ये हमने क्या निकाल के लेके आ गए? मान निकाल के लेके आ गए। बी सी का मान हो जाएगा 4k, ये बी सी है, बी सी का मान हो जाएगा 4k, और ये ए बी है, ए बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी का मान हो जाएगा 3k, ए बी का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3k। ये हमारे मान निकल करके आ गए। अब जब कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यहां पर हम लिखेंगे समकोण
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? समकोण, ये कोण भी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर क्या है? एसी है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? एसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा ए बी है और दूसरी क्या है? बी सी है। अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर क्या है? एसी है। कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग। अन्य दो भुजा, एक भुजा बी सी और दूसरी ए बी, अन्य भुजा बी सी और ए बी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब एसी का मान नहीं पता तो यहां पर हो जाएगा एसी का एसी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 3k है। कितना है? 3k। ए बी का मान कितना रख दोगे? 3k। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी का मान यहाँ पर कितना है? 4k। बी सी का मान रख देंगे 4k। स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 3 की घात 2। 3 कितना होता है? 9। के स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 की घात 2। 4 कितना होता है? 16। के स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 25। को हम क्या लिख सकते हैं? 5। के का हो गया के, 5 की होल घात 2। 5 की घात 2 पचम कितना हो जाएगा? 25। और के की घात 2 का हो जाएगा के की घात 2, है ना? ये नहीं, 5 की घात 2 पचम 25 और के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर। घात 2 से घात 2 कट गया। एसी का मान कितना जाएगा? 5k। एसी बराबर कितना आ गया? 5k। एसी का मान कितना निकल गया? 5k। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमको? हमको साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन ए। यहाँ लिख देंगे हम अतः साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है, सूत्र बताते हैं ना, सम्मुख भुजा बटा क्या होता है? कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए का यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा? कोण ए की सम्मुख भुजा। और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी बटा कर्ण। कर्ण यहाँ पर क्या है? कर्ण यहाँ पर क्या है? ए सी। कर्ण यहाँ पर क्या है? ए सी। बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 4k बटा कर्ण यहाँ पर कितना है? 5k। कैसे के कट गया, कितना बचेगा? 4/5। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अतः साइन ए का मान कितना निकल गया? 4/5 निकल करके आ गया। ठीक है, अगर वो कोस का मान पूछता तो अपन क्या लगाते? कोस बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोई भी मान, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोई भी मान पूछता अपन उसका फॉर्मूला लगाते और क्या निकाल के लेके जाते? आंसर निकाल करके लेके आ जाते। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है। आपके यहाँ पर अगला सवाल ये कह रहा है, यदि 17वां नंबर का सवाल, ठीक है, प्रश्न का मान कौन सा? प्रश्न 17वां, ठीक है। 17वां सवाल बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, है ना, यदि सेक थीटा का मान कितना हो? 13/12 हो, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है
सेक थीटा बराबर 13/12। तो किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या दिया है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12। देखो ये बनेगा आपका त्रिभुज है ना, ये नहीं, भुजा का नाम दे दो ए बी सी और ये कोण हो गया थीटा, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है सूत्र से? सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे संलग्न भुजा। सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा सूत्र मैंने समझा चुका हूँ, है ना। तो फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर था, यूट्यूब पर डाला होगा वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, अध्याय 8 का, त्रिकोणमिति के सूत्र करके, है ना, उसमें समझाया था मैंने पूरा पूरा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण बटे क्या लगा देंगे? संलग्न भुजा। कर्ण बटे संलग्न भुजा। कल से कोचिंग का टाइम चेंज होगा, है ना, कल से कोचिंग 7 बजे लगेगी सुबह। कितने बजे? कल से कोचिंग सुबह 7 बजे लगेगी। नौवीं का बैच, नौवीं कोर्स खत्म हो गया है ना कि नहीं? और तो नौवीं का बैच बंद कर दिया हूँ मैंने, ऐसी आज नौवीं कोई नहीं आया था, दो तीन लोग आए थे, अब 2-3 लोग को क्या पढ़ाता हूँ, है ना। तो नौवीं का बैच अब बंद कर दिया हूँ मैंने, तो अब 10-20 का पढ़ाएंगे, है ना। कल सुबह कितने लगेगी कोचिंग? 7 से लेकर 9 तक, 2 घंटे, है ना, है ना। सुबह 7 बजे से कोचिंग लगेगी, अपन 1 घंटे गणित पढ़ेंगे और विज्ञान वगैरह अपन अदर विषय भी पढ़ेंगे, ठीक है। कितने बजे कल से सुबह? 7 बजे। दिया है, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर कितना दिया? 13/12। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो रख दो 13/12 को जाएगा यहाँ पर, क्या 13/12 बराबर। कर्ण का मान कितना है? कर्ण, कर्ण किसको बोलते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का मान कितना है? एसी है। कर्ण का मान यहाँ पर आपका एसी है बटा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा? थीटा कोण की संलग्न भुजा। और थीटा कोण से लगी हुई भुजा, लगी हुई भुजा को हम संलग्न भुजा कहते हैं। और थीटा कोण की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी है। थीटा कोण की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है? बीसी है बीसी। और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे? के। तो एसी का मान जाएगा 13 के और बीसी का मान कितना जाएगा? 12 के। तो एसी, एसी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 13 के कोमा बीसी का मान कितना जाएगा? बीसी बराबर 12 के। बीसी का मान यहाँ पर कितना जाएगा? 12 के। एसी बराबर 13 के और बीसी बराबर 12 के। एसी का मान यहाँ पर हो जाएगा 13 के और बीसी का मान कितना जाएगा? 12 के निकल करके आ जाएगा, आ जाएगा। अब एसी का मान निकल गया 13 के, एसी का मान हो गया 13 के और बीसी का मान कितना हो गया? 12 के, ठीक है। हमको दो भुजा का मान निकल गया, तीसरी भुजा का मान है क्या? नहीं है। तो तीसरी भुजा का मान कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। सेम वही मेथड है जो उसके पहले करवाया ना मैंने, पूरी वही मेथड है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का मान यहां पर कितना है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का मान यहां पर कितना है? एसी है। कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा है ए बी और दूसरी भुजा क्या है? बी सी।
एक भुजा बची यहां पर ए बी और दूसरी यहां पर क्या है बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग। अन्य दो भुजा कौन कौन सी है ए बी और बी सी। अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ए सी का मान कितना है ए सी का मान आपका है 13 के। ए सी का मान कितना रख दोगे 13 के स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। ए बी का मान कितना है ए बी का मान नहीं दिया तो ए बी का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस। बी सी का मान कितना है बी सी का मान यहाँ पर आपका 12 के है। बी सी का मान कितना रख दोगे बी सी का मान रख दोगे 12 के। घात दो को जाएगा घात दो 13 घात दो 13 का वर्ग कितना होता है 169 मतलब 169। के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 12 का वर्ग कितना होता है 144। के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। इसके बाद ए बी स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ पर हम सिंपल सा ए बी स्क्वायर बराबर 169 के स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 169 के स्क्वायर बराबर किस तरफ 144 के स्क्वायर धन का है इस तरफ लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा ऋण का 144 के स्क्वायर क्या हो जाएगा ऋण का। ए बी स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 कितना बचेगा 25 के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर 25 को मिल सकते हैं 5 के की होल घात 2 ठीक है 5 के की होल घात 2 5 की घात 2 पचम 25 और के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर। वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा ए बी का मान कितना बचेगा 5 के तो ए बी का मान यहाँ पर कितना निकल के जाएगा 5 के निकल करके आ जाएगा। ए बी का मान कितना हो गया 5 के। अब हमको मान किसे ज्ञात करना है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। अब किसी का भी मान पूछ लेगा हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई है ना तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। उन्हें साइन थीटा का मान पूछा है अब सिंपल साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण तो साइन थीटा बराबर लगा देंगे यहां पर हम सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन थीटा के यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा कोण थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है इसके सामने वाली भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है ए बी है। क्या है ए बी बटा कर्ण का मान कितना है कर्ण यहां पर ए सी है। ए बी का मान यहां पर कितना है 5 के बटा कर्ण का मान यहां पर कितना है 13 के से के कट गया कितना बचेगा 5/13 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/13 और यही हमारा क्या निकल के आ गया आंसर निकल करके आ गया। देखिए आपका यहाँ पर अगला सवाल क्या है प्रश्न क्रमांक 18वां ठीक है। प्रश्न 18वां आपका यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम हल करेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए का मान कितना दिया है 3/4 हो तो कोस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात करो ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। सवाल में क्या दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4 साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण ठीक है। साइन बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब पहले चित्र बनाना पड़ेगा ना ये बन गया यहां पर हमारा चित्र त्रिभुज का ये हो गया ए बी और सी ठीक है। साइन ए बराबर दिए 3/4 साइन का सूत्र हमको पता है। साइन का सूत्र क्या होता है सम्मुख भुजा बटे
कर्ण, ये सूत्र किसका होता है? साइन का। किसकी सम्मुख भुजा? कोण ए की सम्मुख भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है? बीसी है। तो सम्मुख भुजा का मान कितना जाएगा? बीसी बटा कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं हम? जो आड़ी भुजा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का मान यहां पर कितना दिया है? कर्ण का मान यहां पर एसी दिया है। कर्ण का मान कितना रख दोगे? एसी रख दोगे, रख दोगे। इसके बाद बीसी बटा एसी का यहां पर हो जाएगा बीसी बटा एसी बराबर तीन बटा चार का हो जाएगा तीन बटा चार बराबर में हम क्या मान लेंगे? के मान लेंगे, मान लेंगे। तो बीसी का मान कितना जाएगा? थ्री के। बीसी बराबर हो जाएगा थ्री के कोमा एसी का मान कितना जाएगा? एसी बराबर हो जाएगा फोर के। एसी बराबर कितना जाएगा? फोर के। बीसी का मान आ गया थ्री के। बीसी का मान कितना रख दोगे? थ्री के। इसके बाद एसी का मान कितना जाएगा? फोर के। एसी एसी का मान कितना रख दोगे? फोर के। एसी का मान कितना रख दोगे? फोर के। अब ये क्या बन गया आपका? समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया। अब क्या लगाओगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर क्या लिख दोगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? पहली भुजा ए बी है और दूसरी बी सी है। अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एसी का मान कितना दिया है? एसी का मान कितना दिया है? एसी का मान दिया है चार के। एसी का मान कितना रख दोगे? चार के। घात दो का जाएगा घात दो बराबर। ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान नहीं दिया है, तो ए बी का हो जाएगा ए बी स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस। बी सी का मान कितना दिया है? बी सी का मान यहाँ पर कितना दिया है? थ्री के। बी सी का मान कितना रख दोगे? थ्री के। घात दो का घात दो। ए बी स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर फोर के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा फोर के स्क्वायर बराबर किस तरफ? थ्री के स्क्वायर धन का है, इस तरफ लाओगे तो थ्री के स्क्वायर कहाँ का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। ए बी स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर चार की घात दो, चार सौ कितना होता है? सोलह। के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस तीन की घात दो, तीन तिया नौ, और के स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। इसके बाद ए बी स्क्वायर के यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 16 में से 9 गए, कितना बचेगा? इतनी आ रहा है ये साथ, 16 में से 9 कितना बचेगा? 7। के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर का कितना बचेगा? 7 के स्क्वायर। ए बी का यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, सात को हम मिल सकते करणी सात और के का हो जाएगा के और इसकी होल घात दो, क्योंकि वर्ग से करणी कट जाएगी से कितना बचेगा? सात, और के स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, वर्ग से वर्ग क्या हो गया? कट गया। तो ए बी का मान कितना बचेगा? करणी सात के। ए बी का मान कितना बचेगा? ए बी का मान बचेगा करणी सात के। ए बी का मान कितना निकल गया? करणी सात के। अब किसका मान निकाल के लेके आना तुमको? अब मान निकाल के लेके आना कोस ए का और टेन ए का। तो अब हम निकाल लेंगे कोस ए का मान।
तब कोस ए, कोस बराबर क्या होता है सूत्र से? कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा? कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा यहां पर क्या है? ए बी। बटा कर्ण यहां पर क्या है? ए सी है। तो कोस ए का जाएगा कोस ए बराबर। ए बी का मान कितना है? संलग्न जो ए बी का मान है कर्णी सात के, कितना है? कर्णी सात के बटा कर्ण ए सी का मान कितना है? कर्ण ए सी का मान यहां पर फोर के है, कितना है? फोर के से के क्या हो गया? कट गया। तो कोस ए का मान कितना बचेगा? कर्णी सात बटे चार, और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। हो गया। अब कोसे का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकालोगे? टेन ए का मान निकालोगे। टेन ए बराबर, टेन के सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसकी सम्मुख भुजा? कोण ए की सम्मुख भुजा। और कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है? बी सी बटा संलग्न भुजा। किसकी संलग्न भुजा? कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा यहां पर क्या है? ए बी। बी सी का मान यहां पर कितना है? तीन के बटा। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है कर्णी सात के। कर्णी सात कैसे के कट गया, कितना बचेगा? तीन बटे करनी सात, और यही क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा। सवाल बनेगा या नहीं बनेगा?